हो गया क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये डाला, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कल एक ग्राफ हम लोगों ने ड्रॉ किया था, ऑडियो तो ठीक है? ओके फाइन फाइन फाइन। कल एक ग्राफ ड्रॉ किया था हम लोगों ने जो था फोटो करंट वर्सेस वोल्टेज, फोटो करंट वर्सेस वोल्टेज। और ये ग्राफ है क्या, ऑडियो अब आ रही है? तो व्हाइट बोर्ड तो हैंग कर गया, व्हाइट बोर्ड तो हैंग कर गया। देखो एक मिनट, उनको दोबारा स्टार्ट करना होगा व्हाइट बोर्ड। ओके वेट, ये तुम्हारा चल रहा पर मेरा नहीं चल रहा, ये क्या हो गया? चलने लगा, बस बस हटा 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 चलने लगा, पर ये वीडियो बंद हो गया। वीडियो की जरूरत किसको है? अरे रुक भी जाओ, ठीक है ठीक है। सो दिस ग्राफ गोज टू सैचुरेशन, ये ग्राफ सैचुरेशन पे जाता है। दिक्कत किसी को हो तो बताइएगा, मुझे लग रहा है शायद नेट थोड़ा स्लो है। ओके सैचुरेशन पॉइंट क्यों आता है, कोई बात नहीं, दोबारा एक्सप्लेन करते सैचुरेशन क्यों आता है। मैं फोटो इलेक्ट्रिक ट्यूब ड्रॉ कर दूं, अगर किसी को दिक्कत है तो बता दीजिएगा, मैं वीडियो बंद कर दूंगा, केवल व्हाइट बोर्ड होगा, तो व्हाइट बोर्ड से प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके बता देना। सो जो ट्यूब है इसमें एज और इधर एज, रेडिएशन फॉल्स ऑन वन ऑफ देम। ओके ठीक है, तो चलो भैया आज वीडियो बंद, ठीक हाँ। और इस तरफ से रेडिएशन आया, इस तरफ से रेडिएशन आया, एंड रेडिएशन हैज फ्रीक्वेंसी एच न्यू, यहां से निकले फोटो इलेक्ट्रॉन्स
और ये फोटो इलेक्ट्रॉन इधर को भागे. सो व्हेन द वोल्टेज इज लो, जब ये वी वोल्टेज कम है तो ये फोटो करंट का वैल्यू कम है. फोटो करंट का वैल्यू कम है. मैं हाथ वाथ चला रहा हूं बट वीडियो है नहीं तो तुम्हें दिख नहीं रहा होगा. उससे विजुअल का बहुत इफेक्ट होता है रियल क्लासरूम में. वही विजुअल का इफेक्ट एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर होता है. ठीक. अब जैसे जैसे ये वोल्टेज वी को आपने बढ़ाते चले गए, जैसे जैसे इस वोल्टेज वी को आप बढ़ाते चले जाएंगे, ये जो करंट है ये आई नॉट को रीच कर जाएगा, विच इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट. ये करंट आई नॉट को रीच कर जाएगा, विच इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट. राइट. ये करंट सैचुरेशन करंट बन जाएगा जब ये वी पे चला जाएगा तो. ठीक है. मैक्सिमम. और ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहां कैथोड से निकले, ये सारे के सारे, ये इलेक्ट्रॉन्स जो कैथोड से निकले वो सारे के सारे एनोड तक पहुंच जाएंगे, तब जो करंट होगा वो करंट सैचुरेशन करंट कहलाएगा. सैचुरेशन करंट कब है? व्हेन ऑल द फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो कैथोड से निकले हैं वो सारे के सारे एनोड तक पहुंच जाए. सैचुरेशन करंट तब है जब सारे इलेक्ट्रॉन्स जो कैथोड से निकले हैं वो सारे के सारे एनोड तक पहुंच जाए, तो ये करंट सैचुरेशन करंट हो जाएगा. ओके. ठीक है सो फार. अब देखिए आगे क्या हुआ. तो अब इसके बाद क्या किया, इस जो बैटरी है इसकी पोलैरिटी को कर दिया चेंज, इसकी पोलैरिटी को कर दी उल्टी, तो ये ग्राफ रिवर्स साइड में आया. तो आप जब पोलैरिटी को बदल देंगे तो क्या होगा, फोटो करंट घटने लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डज नॉट लाइक टू मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर पोटेंशियल जाना पसंद नहीं करता, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन का जाना डिफिकल्ट होता जाएगा. तो जैसे जैसे हम लोग ये पीछे की तरफ आएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन का नोड तक रीच करना डिफिकल्ट हो जाएगा, और ये जो सर्किट में करंट है फोटो करंट, वो करंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है. करंट इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है. तो अगर ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट को फ्लो कर रहे हैं, ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट को फ्लो कर रहे हैं, तो फोटो करंट का वैल्यू या फोटो करंट का डायरेक्शन राइट से लेफ्ट को है. फोटो करंट का डायरेक्शन राइट से लेफ्ट को है. ओके. तो ये चीज हो गई. और ये यहां जो वैल्यू आई ये कहलाएगा Vs. This is called stopping potential. This is called stopping potential. This is called stopping potential. ठीक. तो इस चीज को कहेंगे हम stopping potential. ठीक है. ये stopping potential हो गया. Right. तो ऐसा. अब क्या होगा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल पे जाते ही मैंने कहा कि मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन आल्सो स्टॉप्स. मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन आल्सो स्टॉप्स, कि सबसे ज्यादा एनर्जी वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो भी रुक जाएगा, वो भी नहीं जा पाएगा. मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स भी, इलेक्ट्रॉन भी रुक जाएगा, वो भी नहीं जा पाएगा. ठीक है. मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन भी रुक जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल पे आकर. अब क्या होगा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा. तो कल हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, एच न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स. एच न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस के ई मैक्स. एच न्यू इज इक्वल टू फाइ प्लस के ई मैक्स. फाइ प्लस के ई मैक्स. तो फाइ को बोलेंगे हम लोग वर्क फंक्शन और के ई मैक्स इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. एच न्यू इज एनर्जी. एच न्यू इज एनर्जी. H nu is energy, phi is work function plus ke max. ऐसा work function plus ke max इस तरह का बना लिया.
अब कहा कि जो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन है वो भी जस्ट यहां जाकर के वापस आ गया, मतलब वो भी नहीं पहुंच पाया, तभी तो करंट जीरो हुआ जब कोई भी एक इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाया। तो कौन सबसे डिफिकल्ट है किसका रोकना, तो मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन का रोकना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है और वो भी नहीं पहुंच पाया। तो क्यों नहीं पहुंच पाया होगा, इसलिए क्योंकि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो हो गया होगा ईवीएस के बराबर, कि काइनेटिक एनर्जी से इधर जा रहा है और ये जो रिवर्स पोटेंशियल का वोल्टेज है स्टॉपिंग, ये उसे अपोज कर रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी घटता गया घटता गया घटता गया घटता गया, और जैसे ही अनोड तक पहुंचा, जैसे ही जस्ट अनोड तक पहुंचा, उसकी स्पीड हो गई जीरो। जैसे ही वो अनोड तक पहुंचा उसकी स्पीड हो गई जीरो। सो के मैक्स इज इक्वल टू ईवीएस, और यहां पे इक्वेशन बना हमारा एच न्यू इज इक्वल टू फाई प्लस ईवीएस, और वीएस इज इक्वल टू एच बाई ई न्यू माइनस फाई बाई ई। तो वीएस जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसका वैल्यू निकल करके आ गया, वीएस जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसका वैल्यू निकल करके आ गया एच बाई ई न्यू माइनस फाई बाई ई, एच बाई ई न्यू माइनस फाइव बाई ई, ऐसा निकल कर आ गया। ठीक, समझ रहे हैं यहां तक बात? किसी को जरा सा भी डाउट है यहां तक तो बोल लीजिए, सब कुछ स्क्रीन पे ही लिखा हुआ है। अभी और बहुत चीजें एक्सप्लेन करेंगे, यहां न्यूमेरिकल्स भी करने हैं, आज दोनों सेशन हम लोग पूरा पूरा करेंगे। ठीक, बोलो। देखो जरा मैं पानी पीकर आ गया। ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड है ई। एक बात बताओ ना, एनर्जी का फॉर्मूला ये नहीं सुना, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। एनर्जी का फॉर्मूला क्यू वी, एनर्जी का फॉर्मूला क्यू वी चार्ज, वेयर क्यू इज चार्ज एंड वी इज पोटेंशियल डिफरेंस। ये सही बात है ना? जरा सा भी डाउट है तो बोलो। ठीक है, ओके। तो अब एक और बात सुनिए जरा, व्हाट विल हैपन, फिर से व्हाट विल हैपन इफ आई इंक्रीज फ्रीक्वेंसी। ये जो लाइट इंसिडेंट है, रेडिएशन इंसिडेंट है, इसकी फ्रीक्वेंसी को अगर बढ़ा दिया, जो रेडिएशन इंसिडेंट है इसकी फ्रीक्वेंसी को अगर बढ़ा दिया, जो रेडिएशन इंसिडेंट है इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया, तो इससे क्या होगा? जो रेडिएशन इंसिडेंट है इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया, तो इस ग्राफ में क्या चेंजेस आप ऑब्जर्व करेंगे? केवल एक ही चेंज किया है, क्या? जो रेडिएशन इंसिडेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी को मैंने बढ़ा दिया।
स्टॉपिंग पोटेंशियल जल्दी आ जाएगा। Vs also increases. Yes, that's right. कि अगर मैंने फ्रीक्वेंसी को बदल दिया तो ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ये बदल जाएगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही बात। मैं ये जानना चाहता हूं फ्रीक्वेंसी को केवल बदला गया है तो क्या सैचुरेशन फोटो करेंट में कोई चेंज आएगा? अमाउंट ऑफ सैचुरेशन फोटो करेंट में कोई चेंज आएगा? ये छोटी छोटी बात ही है इस टॉपिक में और इन्हीं से क्वेश्चन एग्जाम से पूछता है इंक्लूडिंग आईआईटी। मेन और नीट में तो रहते ही है क्वेश्चन, आईआईटी में भी इतने ही आसान क्वेश्चन होते हैं। मैं पूछ के देखूंगा ना दो चार आपसे कि अगर फ्रीक्वेंसी केवल मैंने बदला है तो सैचुरेशन फोटो करेंट में कोई चेंज आएगा क्या? बोलो। नो 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 यस नो। अरे नहीं, कैसे आ सकता है? केवल फ्रीक्वेंसी मैंने बदली है और कुछ नहीं, तो नहीं सैचुरेशन फोटो करंट में चेंज नहीं आएगा। ओके अब जरा इसी पेज पे, क्योंकि ये डायग्राम मुझे चाहिए ऑलरेडी, तो जो फालतू की चीजें हैं उनको हटाता हूं यहां से। ठीक, इसी पेज पे सेव भी कर लिया है। वैसे भी तो आजकल व्हाइट बोर्ड दे कहां रहा हूं, तो मैं मांग ही नहीं रहा कोई, मांगने पे चीजें मिलती है, ऐसे फ्री में कौन देता है? फ्री का क्या, फ्री की बात नहीं है, बट मुझे लगता जरूरत नहीं है तो फालतू में क्यों अपलोड करना। ओके सो फ्यू थिंग्स हियर ओनली। स्टॉपिंग पोटेंशियल तो पता ही हमें क्या है। ओके नाउ सी व्हाट हैपेंस। The light incident radiation अच्छा कम वोल्टेज अप्लाई करने पे भी ई चला जाएगा, ई चला जाएगा या ये चला जाएगा? नहीं, सैचुरेशन नहीं आएगा कम वोल्टेज पे, क्योंकि सैचुरेशन ना आने का वजह मैंने इलेक्ट्रॉन, कम वोल्टेज अप्लाई करने पे चला तो जाएगा ही। आप सीधा वोल्टेज लगाइए या उल्टा लगाइए, जब तक वो आखिरी इलेक्ट्रॉन को रोकेगा नहीं तब तक सर्किट में कुछ ना कुछ करंट तो होगा ही होगा। सर्किट का करंट जीरो कब होगा? फोटो करंट जो है वो जीरो, एब्सोल्यूट जीरो कब होगा? तो वो एब्सोल्यूट जीरो तब होगा जब आपने मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को भी रोक दिया। जो फोटो करंट है वो जीरो कब होगा? तो तब होगा जब आपने मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन को भी रोक दिया। जब आपने मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन को भी रोक दिया, ठीक, तो तब होगा जीरो। हो गया जीरो। ओके, इंसिडेंट रेडिएशन के बारे में जरा सुनिए। इंसिडेंट रेडिएशन, तो जो रेडिएशन, रेडिएशन जो आ रहा है, ठीक, तो जो रेडिएशन इंसिडेंट है उसकी एक इंटेंसिटी होती है। इंटेंसिटी बाय डेफिनेशन इज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इंटेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। और इसको ऐसे भी लिखते हैं, आई स्टैंड्स फॉर एन एच न्यू, वेयर एन इज नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड ऑन यूनिट एरिया। नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड ऑन यूनिट एरिया, कैपिटल एन इज नंबर ऑफ फोटॉन्स विच आर इंसिडेंट
पर सेकेंड, हर एक सेकेंड में जो इंसिडेंट है ऑन यूनिट एरिया, कि जो कैथोड है उसके यूनिट एरिया में, यूनिट एरिया का मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर उसमें है, और एच न्यू एक फोटोन का एनर्जी है। तो अब यहां एक ये जो इंटेंसिटी का टर्म है, ध्यान से सुनना ये बात, ये थोड़ा मिसलीडिंग है, ये इंटेंसिटी का टर्म यहां थोड़ा मिसलीडिंग है। ओके, जो कंफ्यूजन वाला पार्ट है उसमें बाद में आएंगे, अभी मैं आपसे पूछता हूं इफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज्ड, फिर से, इफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज्ड, विल सैचुरेशन फोटो करंट चेंज और नॉट, विल सैचुरेशन फोटो करंट चेंज और नॉट। नो नो नो, अरे ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, यस यस। अब ठीक है, मैं कुछ नहीं जानता, मैं इंटेंसिटी वर्ड कहीं भी लिखा रहेगा। अब बहुत सारे लोगों ने ओपिनियन दिया है, यही चीज अच्छी बात है कि ओपिनियन देने से ही, वीडियो तो कब से बंद है, वीडियो कहां चल रहा है, केवल व्हाइट बोर्ड ही तो चल रहा है। इंटेंसिटी इज एन एच न्यू, इंटेंसिटी इज एन एच न्यू। तो एन वो जो पर यूनिट एरिया है, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड ऑन यूनिट एरिया, नंबर ऑफ फोटॉन्स विच इज इंसिडेंट पर सेकेंड ऑन यूनिट एरिया, नंबर ऑफ फोटॉन्स विच इज इंसिडेंट पर सेकेंड ऑन यूनिट एरिया, इफ दैट इज चेंज्ड, इफ दैट इज चेंज्ड, ओके, देन व्हेन एन इज चेंज्ड देन फोटो करंट विल गेट अफेक्टेड, क्योंकि ज्यादा नंबर फोटॉन्स का हिट करेगा तो ज्यादा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, ज्यादा नंबर फोटॉन्स का हिट करेगा तो ज्यादा अमाउंट में फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा तो ज्यादा फोटो करंट होगा। लेकिन इंटेंसिटी केवल एन का तो नहीं बना, इंटेंसिटी केवल एन का तो नहीं बना, मान लो कहीं ऐसा किया कि केवल न्यू को बदल दिया, एन को सेम रखा, तब भी तो इंटेंसिटी बदल गई नहीं, मान लो फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया, एन को कुछ नहीं किया तो तब भी तो इंटेंसिटी बदल गई, लेकिन सैचुरेशन फोटो करंट तो नहीं बदला। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग आंसर हो गया नहीं, कि इंटेंसिटी को बढ़ाने से फोटो करंट पे असर पड़ भी सकता है, नहीं भी पड़ सकता है। अब यहां पे एक बात ध्यान रखनी है, अगर आपसे केवल प्लेन क्वेश्चन यही है कि क्या इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन को बदलने से सैचुरेशन फोटो करंट पे असर पड़ता है या नहीं, तो आंसर है यस पड़ता है। क्योंकि मैं एक बात बता दूं कि जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ तब इंटेंसिटी वाज मेनली फॉर नंबर ऑफ फोटॉन्स, द ब्राइटनेस ऑफ द रेडिएशन या पॉपुलेशन ऑफ द रेडिएशन, वो फ्रीक्वेंसी सोच करके नहीं ले रहे थे वहां पे, ये एक्जेक्ट फॉर्मूला नहीं लिया जा सकता था, जा रहा था वो रफ आइडिया कि इंटेंसिटी मतलब मोर ब्राइट लाइट, मोर ब्राइट रेडिएशन, दैट इज मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स, बस यही लिया जा रहा था। तो अगर आपको बिल्कुल सीधा साधा क्वेश्चन आता है, इफ इट इज इन नीट, इफ इट इज इन जेई मेन, तो हमारा आंसर होगा इंटेंसिटी बदलने से फोटो करंट पे, सैचुरेटेड फोटो करंट पे असर होगा, क्योंकि वहां पे इसे केवल एन लेते हैं। ओके, लेकिन इंटेंसिटी रियल सेंस में एन इंटू एच न्यू है। अब कहता है कि अगर मैंने इंटेंसिटी को बदला तो क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल बदल जाएगा या बदल सकता है,
कह रहा कि अगर मैंने इंटेंसिटी को बदला, इंसिडेंट रेडिएशन के इंटेंसिटी को बदला, तो क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल बदल सकता है? कह रहा है बदल सकता है, यस बदल सकता है। फिर आप कहेंगे कि नहीं नहीं अभी तो तुमने कहा कि इंटेंसिटी का मतलब एन होता है, जो आइंस्टाइन का एक्सपेरिमेंट है उसमें इंटेंसिटी का मतलब एन होता है। हाँ हमने कहा, लेकिन अब बात बदल रहे हैं, क्या कर लोगे? ठीक, क्योंकि ऐसा ही बिहेवियर प्रेजेंट डे के एग्जामिनर्स दिखा रहे हैं। अभी रिसेंट में नहीं पिन पॉइंट कर पाऊंगा किस एग्जाम में, बट वो इंटेंसिटी के बदलने से स्टॉपिंग पोटेंशियल बदलता है। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग बात हो गई कि मान लो किसी ने इंटेंसिटी बदला, बदल सकता है मतलब मे टर्म है होगा, ओके। अगर मान लो एन हमने बदला और फ्रीक्वेंसी सेम रखी तब तो नहीं बदला, तो इसीलिए मे के साथ अगर है ऑप्शन तो हाँ बदल गया। ठीक, मे के साथ है आंसर तो इसका मतलब बदल गया, या मे के साथ नहीं है तो वो भी सही है, मतलब मे बी मे नॉट बी। अगर कह रहा है कि आई चेंज द इंटेंसिटी द सैचुरेटेड फोटो करेंट, मे चेंज मे नॉट चेंज, द स्टॉपिंग पोटेंशियल मे चेंज मे नॉट चेंज, ओके। तो वो थोड़ा शिफ्ट हो गया कि आप पुराने बुक्स में या पहले 10 साल पहले यही क्वेश्चंस करते तो लोग ज्यादा फेथ उस बात पे रखते थे कि इंटेंसिटी प्योरली मींस द नंबर। ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट में भी ऐसा ही है कुछ, बट प्रेजेंट डे के बुक्स में या अभी जो एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें इंटेंसिटी लिटरली जो उसका वैल्यू है एन टाइम्स एच न्यू, इंटेंसिटी को एन टाइम्स एच न्यू से लिया जा रहा है, करेक्ट है? तो ठीक है, तो दोनों डिपेंडेंस हम लोगों ने देख लिया। बाई चेंजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन सैचुरेटेड फोटो करेंट डज नॉट चेंज, वेयर एज स्टॉपिंग पोटेंशियल डज चेंज, करेक्ट है? बाई चेंजिंग इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन सैचुरेटेड फोटो करेंट मे चेंज, या सैचुरेटेड फोटो करेंट कह रहा है उसमें मान लो चेंज, क्योंकि वहां थोड़ा बायसनेस है दैट इंटेंसिटी रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ फोटॉन्स। स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए मे और मे नॉट का टर्म यूज कीजिए कि स्टॉपिंग पोटेंशियल मे चेंज, स्टॉपिंग पोटेंशियल मे नॉट चेंज, ओके, करेक्ट है? ओके, अब जरा इस इक्वेशन में भी देख लिया, ये इक्वेशन कह रहा है एच न्यू इज इक्वल टू 5 प्लस के ई मैक्स। तो बताओ अगर मैंने फ्रीक्वेंसी को चेंज किया, अगर मैंने फ्रीक्वेंसी को चेंज किया तो के ई मैक्स भी चेंज होगा। अगर मैंने फ्रीक्वेंसी को चेंज किया तो के ई मैक्स भी चेंज होगा। ये दोनों चेंज होंगे। कोई डाउट बोलिए। ओके, नहीं है तो मैं जरा एक क्वेश्चन पूछता हूं तुमसे। मैंने इंसिडेंट रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी को डबल किया, हाउ विल काइनेटिक एनर्जी चेंज? यहां लिख देता हूं, एच न्यू में न्यू को डबल किया, डबल्ड, हाउ विल मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी चेंज? ऑप्शन भी देता हूं, गेट्स डबल्ड, मोर देन डबल्ड, लेस देन डबल, नो चेंज।
एक आंसर आया है इंक्रीजेस बट लेस देन डबल। ओके और आया डबल, एक आ गया सेम, कॉपी पेस्ट। नहीं ध्यान नहीं डाल रहे हैं आप लोग, डबल डबल ना ध्यान तो डाल रही रहे हो बिल्कुल भी, जरा सा भी नहीं, जरा सा भी फोकस नहीं कर रहे हो, देखना बहुत नुकसान होगा, फोकस बहुत होना चाहिए चीजों पे। एच न्यू इज 5+KEmax। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए इस तरह के कि ये हुआ तो क्या होगा, वो हुआ तो क्या होगा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, सरप्राइज तो ये है, क्या है वो खुद ही देख लो। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि ये डबल होने से क्या होगा, ये हाफ होने से क्या होगा, तो आप कोई डेटा क्यों नहीं यूज कर लेते। मान लो ये है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये कितना होगा। अब डबल हुआ तो ये कितना हो गया, अब इसके डबल होने से वर्क फंक्शन पे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। एक बात बताओ, मेटल पे क्या फर्क पड़ जाएगा, कुछ नहीं, तो ये तो 2 ही रह जाएगा, तो बताओ ये वाला कितना हो जाएगा जो बचा हुआ है 8। अब बोलो अब क्या आंसर हुआ, बताओ बताओ अंग्रेजों, हमेशा याद रखो फेल वही करोगे जहां सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट होगे। एक ने भी नहीं कहा मोर देन डबल, बताओ क्या था इसमें सोचने में, बिकॉज जो हमारा नोन एरियाज होता है ना, यही मैंने एक दिन याद करो मैंने डिस्कस कर रहा था ये बात कि जो मेरा नोन एरिया होता है ना वहां पे हम ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं और दिमाग को कर देते हैं बंद, और इसीलिए नुकसान वही हो जाता है सबसे ज्यादा। हम सोचते हैं अरे ये तो हमें पता ही है ये वाला तो यही होगा, और वही पे हो जाती है गड़बड़ी, इट गेट्स मोर देन डबल। बताओ बताओ ओके, व्हेन लैम्बडा इज 5000 एंगस्ट्रम, KEmax इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व्हेन लैम्बडा इज 2500 एंगस्ट्रम, फाइंड KEmax। अब नहीं कर रहे हो तो ऐसे ही करो। जब वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रम का था तो KEmax 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का था, टू। ओके चलिए मैं भी कर लू, लैम्बडा 5000 का होगा तो एनर्जी का वैल्यू होगा 12400, एनर्जी का वैल्यू होगा 12400,
बाई लैम्बडा। तो ये हो गया 12.4/5, तो 5 × 10 0.4 and 8। तो जब 5000 है तो एनर्जी का वैल्यू है 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो एनर्जी का वैल्यू है 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, आंसर 3.4, ठीक है। तो अब काइनेटिक एनर्जी 1 का है, तो लिखा हमने 2.4 इज वर्क फंक्शन प्लस 1, तो वर्क फंक्शन का वैल्यू हो गया 1.4। अब दूसरी बार जब वेवलेंथ आपका 2500 एंगस्ट्रम का है, इसका मतलब वेवलेंथ आधा है तो एनर्जी दुगना होगा। नहीं, वेवलेंथ 12400 वाई वेवलेंथ होता है ना, तो अब की एनर्जी हो जाएगा 2.48 का डबल, 4.96। तो लिखा एनर्जी इज वर्क फंक्शन प्लस के ई मैक्स। तो इस बार एनर्जी की जगह 4.96 इज फाई की जगह पे 1.4 प्लस के ई मैक्स। तो के ई मैक्स का वैल्यू निकल के आ गया, के ई मैक्स का वैल्यू निकल करके आ गया 4.96 माइनस 1.4, 3.56 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। So it is 3.56 electron volt. Okay, time is less than 1 minute. After 2 minutes, we will log in again.